अज आप गल करांगे शक। ये जिहड़ा शक है ये भी एक तरह की बीमारी है। अक्सर आप कह दें कि जिहड़े लोग किसी ते शक करते ने उसनू आप कह दें कि इसनू शक करन दी बीमारी है। शक की आदत जिहड़ी है वो औरत और मर्द दोनों च ही हुंदी है। ये ब्याह तो बाद भी हुंदी है, बुढ़ापे च भी हुंदी है, ये किसी भी उम्र च हुंदी है। एक तरह का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि जिहड़ा किसी च भी हुंदा, औरत च भी हुंदा और मर्द च भी हुंदा। हुण कई बारी आपां देखिया होएगा कि ब्याह तो बाद बंदा जदों ड्यूटी ते जांदा तां वाइफ उहदी 20 बार उहनूं फोन करेगी, कित्थे हो जी, कित्थे पहुंचे जी। जे उह कहदे मैं दफ्तर हाँ तां फिर किसी होर नूं दफ्तर फोन ला के पुछणगे कि वह दफ्तर ही ने, तो फिर वो साथी जाके दसदा भी तेरी घरवाली का फोन आया से। वह कहिंदा हुण तां मेरे नाल गल होई है। वह कहिंदा यार उहनूं शक करन दी बीमारी है, करी जाण दे फोन। अच्छा फिर जे बंदा ड्यूटी तो घंटा दो घंटे किसी काम के तहत लेट हो गया तां कित्थे गए सी, क्यों गए सी, किनू मिलण गए सी, मैनू दसो कित्थे सीगे, मैं पता करावांगी, मेरी पिट पुछे तुसी की गुल खिला रहे हो। वह कहिंदा भगवान ने गुल मैं की खिलाने हैं, मैं हुण काम भी ना करा अपना। कि बंदा देखो किसी काम नाल किसी मीटिंग च जांदा, उत्थे औरत मर्द सारे हुंदे आ, तुसी चाहे किते भी काम कर लो, तुसी किसी भी ऑर्गनाइजेशन च चले जाओ, उत्थे औरत भी है मर्द भी है और आपस च गलबात करनी पैंदी है। लोग हसदे खेडदे भी ने, एक दूसरे दे दुख सुख च जाना पैंदा, एक दूसरे दी पार्टीज वगैरह च जाना पैंदा। इस तरह दियां भी बहुत सारियां औरतां हुंदियां ने जिहड़ियां कि बंदे नूं जी नहीं दिंदियां। थोड़ा जिहा उहनां नूं पता लग जाए कि साडे बंदे ने दफ्तर किसी जनानी नाल गल कीती है या कोई दो लेडीज़ किसी काम नूं लै के घरे आ गईयां ने, फिर कलेश खड़ा हो जांदा। बहुत सारी जनानियां ऐसियां ने जिन्हां ने अपने बंदियां दे पिछे प्राइवेट डिटेक्टिव लाते, जसूस, कि जसूसी करो ये सवेर तो लैके शाम तक जिहड़ा मेरा बंदा है ये करदा की है। इन्हां चीज़ां तों थोड़ा गुरेज करना चाहिए। अच्छा दूजे पासे जे बंदियां दी गल करिए, ब्याह तो बाद जनानी जे कि सब्जी वाले कोल खड़ जाए, तू सब्जी वाले नाल क्यों गल्लां कर रही सी, वह कहिंदी सब्जी लैनी है तो उहनूं गल तां करनी पेगी, तू दुध वाले कोल क्यों खड़ी सी, तू फलाने पड़ोसी नाल क्यों गल करदी सी, ते फलाना क्यों घर आया सीगा, उहदे नाल इस तरह क्यों हो गया। ये बंदियां च बड़ी आदत हुंदी है और इन्हां चीज़ां करके तुसी देखो कई वारी घर टुट गए ने, तलाक हो गए ने, ईवन जिहड़ा है लोकां दी जान तक चली गई है। ये एक तरह की बीमारी है जिस ते असी खुद कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत घट कारण ऐसे हुंदे आ कि आपां किसी ते डाउट करदे आ तां वह सच्चा होवे। आपां ये भी नहीं कह सकते भी बिल्कुल ही डाउट ना करो। बहुत सारे केसिज ऐसे हुंदे आ, किसी औरत च भी दिक्कत हो सकती है, किसी मर्द च भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन बहुत वड्डी दुनिया, बहुत बड़ा समाज है, सारयां च इस तरह की दिक्कत नहीं हुंदी। इस करके जे तुहानू कोई शक शुबा है किसी ते, बंदे नू, जनानी ते है, जनानी नू, बंदे ते है, ते आपस च बैठ के गल सांझी कर लेनी चाहिए है। जे आपां आपस च बैठ के गल सांझी कर लीए तां आपां नू इधरों उधरों लोगों का सहारा लैण की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो पहियां नाल गड्डी चलती है। जे एक पहिया भी जिहड़ा है किसी तरीके नाल जिहड़ा है खराब हो जाए तां उह गड्डी नहीं चल सकती। और इसका बच्चों ते बड़ा असर पैंदा है, साढ़े कामकार ते बड़ा असर पैंदा, साढ़े मैंटल जिहड़ी हरासमेंट सानू बहुत ज़्यादा हुंदी है। इस करके इन्हां चीज़ों तों हमेशा बच के रहना चाहिदा है और एक दूसरे ते औरत और मर्द नू हमेशा विश्वास बना के रखना चाहिदा है कि कोई तीसरा बंदा इस चीज़ का फायदा ना उठा जाए। बस इन्नी कु सी ये गल जिहड़ी तुहाडे नाल सांझी कीती। खुश रहो, सतर्क रहो और शक तो हमेशा दूर रहो, तो देखते रहो एवन पंजाबी चैनल। फ्री लीफ आयुर्वैदिक ऑयल 125 बीमारियों का संपूर्ण इलाज, जिमें गठिया, सर्वाइकल, माइग्रेन अते शरीर विच किसी भी किस्म की दर्द क्यों ना हुंदी होवे, इत्थों तक कि ब्लॉकेज दे नाल बनिया कई बीमारियों का इको एक इलाज है फ्री रिलीफ आयुर्वैदिक ऑयल, यानी कि 125 बीमारियों का संपूर्ण इलाज। फ्री रिलीफ विजीलैक्स वेट लूज, मोटापे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वजन घटाओ ते खुश हो जाओ। फ्री रिलीफ पावर
मर्दाना कमजोरी नू खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियांदा है रौनक। फीर लीफ पावर। कबज तो परेशान होने की हुण जरूरत नहीं है, कबज तो छुटकारा पाने लई आ गया कबज हर चूरन। कबज हर चूरन नू अपनाओ ते कबज तो छुटकारा पाओ। हुण तक लखां मरीज लै चुके ने फायदा। वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकते हो 9478484087। नंबर एक बार फिर तुसी नोट कर सकते हो 9478484087।